सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हैं। पुर जा कट मरे कब हूँ नचा देखे अमर शहीद बाबा दीप सिंह साध संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग नूर है साध संगत अस्थान जगमग नूर है 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 साध संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग नूर है साध संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग नूर है हजूर है गोर मुख शब्द ज्ञान नेड़ ना दूर है नेड़ ना दूर संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग नूर है साध संगत अस्थान जगमग नूर है जगमग बेटे ये गुरताम सूरबीर योधे प्रसिद्ध विद्वान ते अमर शहीदी याद विच बनाया गया है। मैं तैनू उन्हां दी जीवनी बारे दसदा उन्हां दा नां सी अमर शहीद बाबा दीप सिंह जी बाबा दीप सिंह जी दा जन्म पिता भाई भगतू ते माता ज्योणी दे घर 26 जनवरी 1682 नूं पिंड पौविंड जिला
अमृतसर विच होया। आप मां प्यो दे इकलौते पुत्र सन। आप जी दे जन्म बारे कई साखियां प्रचलित ने। क्या जानता है कि भाई भगतू ते माता ज्योनी दे व्याह नूं 15 साल बीत जाण दे बाद भी कोई औलाद नहीं सी होई। उन्हां पास काफी जमीन सी, जिस करके किसी गल दी तोट नहीं सी। गाइयां मज्जां वाधू रखण करके दुध घिओ दी कोई घाट नहीं सी। उन्हां दा अपना इकल्यां दा खूह सी ते खूह दे लागे आराम करन वास्ते उन्हां ने कान्या दी एक वधिया छन भी बनाई होई सी। छन दे सज्जे पासे लकड़ दा खूह सी ते उस दे खब्बे पासे एक लकड़ दा वेलना गटिया होया सी। एक दिन भाई भगतू ते माता ज्योणी छन दे बाहर धुप्पे बैठे सन। वेलने दे लागे छिले हुए गन्नियां दी पंड पई सी ते नौकर दे ना आउण करके ओ उस दी इंतजार कर रहे सन। पर दिल विच ओ बड़ियां डूंगियां सोचां विच डुब्बे सन। जे उन्हां दे घर भी पुत हुंदे तां उस नूं इन्हां कामियां ते क्यों निर्भर रहना पैणा सी। उस सोचां विच गलतान ही सी कि एक सफेद दाढ़ी वाले गुरसिख ने उन्हां नूं आके बड़े सत्कार नाल प्रणाम कीता ते कहण लगा, महापुरशो, लगदे तां सतगुरां दे सिख हो पर चेहरे ते तां बड़ी उदासी छाई है। भाई भगतू ते माता ज्योणी संत जी नूं वेख के हैरान रह गए। संत जी फिर खूह वाल इशारा करके कहण लगे, बच्चे कित्थे गए ने, खूह ते कोई रौनक नहीं दिसदी। माता ज्योणी दियां अखां विच अथरू पर बड़े उदास लहजे विच बोली, 15 साल व्याह नूं हो गए, प्रभु ने हाले पुत्र दी दात नहीं बख्शी। यह गल सुन संत जी हस के बोले, इस विच उदास होण दी की लोड़ है। गुरसिख सदा प्रभु दे भाणे विच रहिंदे ने। प्रभु दे घर कोई घाट नहीं। तुहाडे घर वी एक अजिहा पुत्र पैदा होएगा जिहड़ा एक बहुत वड्डा सूरबीर योधा ते विद्वान होएगा। वो तुहाडी कुल दा नाम रहिंदी दुनिया तक सुरजीत रखेगा। कुछ समय बाद ही पुत्र दी दात मिलन उत्ते भाई भगतू ते माता ज्योणी प्रसन्न हो गए। उन्हां अपने सच्चे पातशाह दा लख लख धन्नवाद कीता। अपने लाडले पुत्र दा नाम उन्हां दीप रख्या। घर विच मझां लवेरियां सन, अन्न पानी दी कोई तोट नहीं सी, इसलिए दीप छेती जवान हो गया। वह 5 साल की उम्र तो ही अपने पिता जी दे नाल काम काज विच हाथ बटाउण लग पिया। जद वह 10-12 साल का होया तां शरीर का बड़ा नरोआ ते तंदुरुस्त होण करके कबड्डी खेडदा ते कुश्तियां लड़दा। उस समय ही 1699 की विसाखी वाले दिन गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की साजना की। उन्हां 5 प्यारियां नूं अमृत छका के फिर बाबिच उन्हां पासों आप अमृत छकिया ते फिर हजारां सिखां नूं अमृत छकाया।